जी तो फ्रेंड्स, मैं आपका हूँ शमून इलियास। आज फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज मैं आपको विजिट करवाने जा रहा हूँ कतर नेशनल म्यूजियम का। उसमें बहुत सारी न्यू इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो चलिए मेरे साथ आपको विजिट करवाते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग निकल चुके हैं नेशनल म्यूजियम के लिए और मेरे साथ एक नया प्यारा सा चेहरा आपको दिख रहा है। अस्सलाम वालेकुम, ये है फैजान भाई जो कि फैसल भाई के छोटे भाई हैं और आज हम लोग आउटिंग के लिए निकले हुए हैं। तो चलिए अंदर चलकर आपको मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाएंगे कि कतर नेशनल म्यूजियम में क्या क्या अपनी हिस्ट्रिकल चीज़ें रखी हुई हैं। जी फैजान भाई, आप मेरे व्यूवर्स को कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहूँगा कि जितना हो सके शमून को सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बाकी बस दिखाते हैं आपको क्या होने वाला है। थैंक यू ब्रो। कि वो मिल चुकी हुई हैं और अभी हम कतर नेशनल म्यूजियम के अंदर आ चुके हुए हैं और ये है उसका मेन हॉल। अभी हम यहाँ से अंदर जाएंगे और आप देख सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो सारा बहुत ही यूनिक स्टाइल में बनाया गया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। बाहर से दिखने में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए अब आपको यहाँ पर अंदर दिखाते हैं कि अंदर ये है मेन एंट्रेंस नेशनल म्यूजियम की। चलिए मेरे साथ आपको दिखाते हैं कि जी तो फ्रेंड्स, ये है एंट्री के ऊपर इनकी जो हिस्ट्रिकल कुछ प्लेसेस हैं वो हैं। इनका मुझे पता नहीं कि ये क्या है, आप देख सकते हैं इसकी हिस्ट्री चेक करके। ये देखिए आप, अब से कोई 50 साल पहले इन लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा था कि ये वाले दरवाजे वगैरह यूज़ करते थे और अभी का अगर आप इनका लाइफस्टाइल देखो तो ज़मीन आसमान का फर्क है, बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग आ चुकी हुई है इनकी लाइफ में। कुछ आई गेस करेंसी है, और ये कुछ कदीम बर्तन। ये इनका पंखा है, अभी तो इनके एक रूम में पता नहीं चार चार एसी लगे होते हैं लेकिन उससे उस टाइम पर इससे ये ठंडी हवा लेते थे।
एंड सभी मैं मौजूद हूँ कतर नेशनल म्यूज़ियम में। एक एग्जीबिशन लगी हुई है जिसके अंदर उन्होंने ये 12,000 स्लाइड्स लगाई हुई हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत व्यू दे रही हैं। देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लाइट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आ रही हैं और बहुत ही मज़े की फीलिंग है। होपफुली आपने इन्जॉय किया होगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। कतर में आया हूँ वीडियो बनाने के लिए यहाँ के कतर नेशनल म्यूज़ियम में। आप ज़रूर कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें आपके आप आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नए वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।